हाय लॉजिकल टॉक फैमिली, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल लॉजिकल टॉक में। गाइस, आज की वीडियो में बात करूंगी मेडले कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है डोमपेन डीएसआर। जी हाँ दोस्तों, जो डोमपेन डीएसआर ये पेंटोप्राजोल के गैस्ट्रोरेसिस्टेंट, साथ ही साथ डोमपेरिडोन के प्रोलॉन्ग रिलीज ये कैप्सूल है। ये एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है जिसको प्रिस्क्राइब किया जाता है गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, यानी जो एसिड रिफ्लक्स हो जाता है, डिस्पेप्सिया यानी बदहजमी जो हो जाती है, इंडाइजेशन जिसको बोल सकते हैं, और गैस्ट्रेसिया यानी जो गैस की प्रॉब्लम होती है ये उसको ठीक करने में का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो कॉम्पोजिशन है डोमपेरिडोन मिला हुआ जिसकी मात्रा इसमें 30 mg है और पेंटोप्राजोल की मात्रा इसमें 40 mg मिला हुआ है। जितनी भी एसिडिटी होती है या जो एसिड अमाउंट बढ़ने से जो एसिडिटी, सीने में जलन, पेट दर्द या इरिटेशन वगैरह होती है, उन सारे सिम्टम्स को कंट्रोल करके पेशेंट को आराम पहुंचाता है। साथ ही साथ जो पेट में एसिड होता है उसको ये न्यूट्रलाइज करता है और जो गैस बनी रहती है उसको आसानी से बाहर निकलने में मदद करता है, जिससे कि जो पेट में डिस्कम्फर्ट बना रहता है वो ना बना रहे। इसकी जनरली जो गैस की टैबलेट होती है जनरली अर्ली मॉर्निंग में खाया जाता है, यानी कुछ भी खाने पीने के आधे घंटे पहले अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसका बेहतर और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। या अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम होती है, बहुत ही ज़्यादा उसको तकलीफ है, तो डॉक्टर उसको कभी कभी सुबह और शाम दोनों टाइम खाना खाने के आधा घंटा पहले इसको खाने को बोलते हैं। ये आप डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन किस हिसाब से, तो उस हिसाब से आपको एक या दो कैप्सूल जैसा भी होगा डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे। लेकिन अगर आप दवा के साथ साथ कुछ खास बातों का ध्यान रखेंगे, जैसे कि एक जो मसालेदार चीज़ें होती है, बहुत गर्म खाना होता है, बहुत ही स्पाइसी फूड और जो हॉट टी और कॉफ़ी होती है एकदम, उस सब चीज़ों को अगर आप अवॉइड करते हैं तो फिर आपको जो गैस की समस्या है वो थोड़ी और कम होगी। साथ ही साथ दवा और अगर आप जो परहेजी कर रहे हैं वो दोनों चीज़ें मिला के आपको बेहतर और अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। जब ये कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि मतली होना, उल्टी होना, पेट दर्द होना और चक्कर लगना, मुँह सूखना, सर दर्द होना, ये सारे टेम्परेरी हैं, धीरे धीरे चले जाते हैं। मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं वो जो पाए गए हैं, देखे गए हैं, वो होते हैं। ज़रूरी नहीं साइड इफ़ेक्ट आपको हो, या अगर हो तो सारे हो या इन्हीं में से हो। कुछ अगर नए साइड इफ़ेक्ट होते हैं या कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट हैं इन्हीं में से जो आपको हुए हैं लेकिन वो लंबे समय तक बने हैं, नहीं जा रहे हैं, तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से इसके बारे में कंसल्ट कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिए जो बहुत ख़ास है कि अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है, किडनी या लीवर की डिज़ीज़ है या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, या फीमेल जो है जो प्रेग्नेंट हैं या प्रेग्नेंट होने की सोच रहे हैं या बच्चों को दूध पिलाती हैं, वो डॉक्टर को इस सब बारे में ज़रूर बताएं ताकि उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर आपको एक्यूरेट डोज बता सके। अब बात करते हैं ये दवा काम कैसे करती है। तो ये कॉम्बिनेशन मेडिसिन है जिसमें डोमपेरिडोन एक प्रोकाइनेटिक है जिसका काम होता है जो अपर डाइजेस्टिव ट्रैक में, अपर डाइजेस्टिव ट्रैक का जो मूवमेंट होता है इंटेस्टाइन और आँत और पेट का, उसको बढ़ा देता है, जिससे कि खाना जो है वो आसानी से पेट में जा सके और पच सके। और पेंटोप्राजोल एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, PPI है, जो एसिड का जो बढ़ा हुआ अमाउंट होता है पेट में उसको घटाता है, जिससे कि एसिड रिलेटेड जो बदहजमी और सीने में जलन जैसी समस्या है वो दूर हो जाती है। तो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो इस डोमपेन DSR कैप्सूल पर। वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में अपने राय, सजेशन, सवाल ज़रूर लिखें। मैं जल्दी फिर मिलूंगी एक नई वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, लॉजिकल टॉक देखते रहें। कोई भी पेशेंट अगर इसको इस्तेमाल करता है तो कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन ज़रूर लिखें, जिससे कि और लोगों को मदद कर मिल सके। गुड बाय, टेक केयर।